नमस्कार। आज फिर आपके पाठ्यक्रम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम शिक्षा के बारे में और विशेष तौर पर स्कूली शिक्षा के बारे में बात करेंगे और हमारी बातचीत का संदर्भ जो होगा वो तीन शिक्षाविदों की राय होगी जो उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर बनाई थी। उन तीन शिक्षाविदों का नाम होगा गिजू भाई, A.S. नील और जॉन होल्ट। इन तीनों के अनुभवों और विचारों के संदर्भ में हम स्कूली शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, स्कूली शिक्षा पर बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो होती है वो ये है कि आप सबने सुनी होगी, जो लोग आम तौर पे कहते हैं कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा तो हमेशा होती रहती है, हम घर में भी सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं। तो ये कौन सी शिक्षा होती है और स्कूलों में कौन सी शिक्षा होती है? तो हम शिक्षा का जो सामान्य अर्थ है और स्कूली शिक्षा का जो विशेष अर्थ है, दोनों में फ़र्क करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम समझते हैं। देखिए, जीवन में जो शिक्षा होती है वो संजोगवश होती है, वो पहले से प्लान नहीं होती। उदाहरण के लिए, आप कहीं सड़क पर चल रहे हों और आप किसी चीज़ से टकरा गए तो आप ये समझ पाते हैं कि चलते हुए सामने ध्यान से देखना चाहिए। आपको सीखने को तो मिला, लेकिन आप सड़क पर जो चल रहे थे उसका उद्देश्य सीखना नहीं था, कहीं पहुंचना था। जबकि स्कूली शिक्षा में जो कुछ भी होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है, पहले से पता होता है कि हम ये सीखना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। और जब चीज़ें उद्देश्यपूर्ण होती हैं तो हम उनके लिए योजनाएँ भी बनाते हैं। आप आम जीवन में सीखने के लिए योजना नहीं बनाते, आप अपना काम करने की योजना बनाते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत थी, उसकी योजना आपने बनाई। आपने इसकी योजना नहीं बनाई थी कि मैं पत्थर से टकराऊंगा और उससे मुझे सीखने को मिलेगा, जबकि स्कूली शिक्षा में ऐसा होता है। और ये जो मौके होते हैं, ये जो अनुभव मिलते हैं, ये जो अवसर होते हैं जिनसे हमारा सीखना होता है, ये स्कूलों में शिक्षक द्वारा चयनित होते हैं। शिक्षक को पता होता है कि वो बच्चे को क्या सिखाना चाहता है और उसके अनुसार उस चीज़ को सिखाने के लिए किस तरह के अनुभव की ज़रूरत है उसको वो सेलेक्ट करता है और वो अनुभव क्लास में देने की कोशिश करता है। जबकि जीवन में हमारे सामान्य अनुभव होते हैं, दैनिक अनुभव होते हैं, हर रोज़ हम तरह तरह के काम करते हैं और उन अनुभवों के माध्यम से सीखना होता है। तो अगर इस बात को एक बार एक साथ समझने की कोशिश करें तो जो स्कूली शिक्षा होती है वो उद्देश्यपूर्ण होती है, योजनाबद्ध होती है और वो चयनित अनुभव होते हैं उसमें, वो सामान्य अनुभव नहीं होते। जबकि सामान्य शिक्षा जो होती है उसका कोई उद्देश्य पहले से तय नहीं होता, उसकी कोई योजना भी नहीं होती और वो जीवन के सामान्य अवसर या अनुभवों से उपजते हैं। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में अब आगे हम अगर बात करें तो सीखने सिखाने की कुछ प्रक्रियाओं की बात की जाती है, कुछ सिद्धांतों की बात की जाती है और उन सिद्धांतों को स्थापित करने में, उनको समझने समझाने में इन तीन विद्वानों का, गिजू भाई, A.S. नील और जॉन होल्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। सीखना हमेशा पूर्व अनुभवों से जुड़कर होता है, ये एक सिद्धांत के रूप में बार बार बात कही जाती है। अब चलिए हम इसको गिजू भाई की किताब जो आप सबने पढ़ी है, दीवा स्वप्न, उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। दीवा स्वप्न की कहानी में लक्ष्मी शंकर जो थे वो एक स्कूल में जाके अलग तरीके से बच्चों को सीखने सिखाने का एक प्रयोग कर रहे हैं और पहले दिन जब वो जाते हैं तो बच्चों के साथ एक शांति का खेल खेलने की कोशिश करते हैं और उसमें बुरी तरह से असफल होते हैं। जब वो शाम को घर लौट के आते हैं और उस पर विचार करते हैं तो उनको समझ में आती है ये बात कि मैं जो करने की कोशिश कर रहा था उसका बच्चों को पहले से कोई अनुभव नहीं था, उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं था। तो जो बात, जो प्रक्रिया, जो गतिविधि उनके पहले के अनुभवों से नहीं जुड़ी थी उसके सफल होने की संभावना नहीं थी। तो ये इस उदाहरण से हमें साफ साफ समझ में आता है कि जो भी हम करना चाहते हैं उसके पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये उनके पूर्व अनुभवों से जुड़ा है, अन्यथा हमें उसको पूर्व अनुभवों से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि भय से सीखना नहीं होता। बच्चों और शिक्षक के बीच का रिश्ता जो है वो भय का नहीं, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। बच्चों को उनकी अपनी पसंद नापसंद की इजाज़त होनी चाहिए ताकि वो अपनी इच्छा से चीज़ों को कर पाए। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये जो मुख्य सिद्धांत हैं ये A.S. नील
और गीजू भाई के अनुभवों के आधार पर हम समझेंगे। देखिए, गीजू भाई की कहानी में आपको ध्यान होगा कि कई सारे अभिभावक उनके पास आते थे और ये कहते थे कि हमारे बच्चे इस तरह की शैतानी करते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते, या हम जो कहना चाहते हैं उसको समझते नहीं हैं, सुनना नहीं चाहते, और हम उनको भगवान का डर भी बताते हैं कि भगवान ऐसा करेगा या पुलिस तुमको पकड़ के ले जाएगी, लेकिन फिर भी वो हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हम क्या करें। गीजू भाई ने उनको ये समझने में मदद की कि जो तरीका आप अपना रहे हैं वो शायद ठीक नहीं है और इसकी वजह से सफलता नहीं मिल रही है। अगर आप एस नील के स्कूलों को याद करें तो एस नील के स्कूलों में बच्चे अपने कमरे में रहते थे और वो कमरे में कैसे रहते थे, उसकी व्यवस्था क्या होगी, उसकी साफ सफाई कैसी होगी, इस पे एस नील कोई दखल इसमें नहीं देते थे। वो बच्चों को पूरी आज़ादी देते थे कि वो अपने खाने की चीज़ें तय कर सकें, अपने पहनने के कपड़े तय कर सकें और अपने पसंद की के काम को कर सकें। अब यहाँ ये बात बहुत साफ साफ नज़र आती है कि इन स्कूलों में जहाँ बच्चे काफ़ी सफल हुए सीखने में, शिक्षा प्राप्त करने में, वहाँ भय का प्रयोग नहीं हो रहा था, बच्चों को आज़ादी दी जा रही थी, बच्चों के शिक्षकों के साथ बड़े सहृदय संबंध थे। तो इस इन इन बातों से हमें ये समझ में आता है कि शिक्षा में भय का कोई स्थान नहीं है और शिक्षक और छात्र के बीच का रिश्ता हमेशा मधुर हो। स्कूली शिक्षा को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है, वो है किताबों के बारे में। साथियों, किताबें हमारी स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वो एक साधन के तौर पे देखी जानी चाहिए, वो उद्देश्य नहीं बन जाना चाहिए। एक्चुअली जो हम सीखते हैं, जो हम समझने की कोशिश करते हैं, उसका दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण होता है। और हमें ये भी भरोसा रखना चाहिए कि बच्चे खुद से भी सीख सकते हैं, खुद उनके अनुभव उनको सीखने की तरफ लेके जाते हैं। चलिए इन इन बातों को हम एस नील के स्कूल में देखने की कोशिश करेंगे। साथियों, आपको याद होगा कि एस नील के स्कूल में किताबें एक साधन की तरह इस्तेमाल की जाती थी। किताबों में वो कुछ चीज़ें पढ़ते थे, कुछ चीज़ों पे चर्चा करते थे और फिर उसके बाद उस समझ का, उस बातचीत का प्रयोग वो अपने जीवन में करते थे, चाहे वो खिलौने बनाने में हो, चाहे खेल खेलने में हो, चाहे कागज़ के पुतले बनाने में हो। इन सारी चीज़ों में बच्चे वो किताबों से पढ़ी हुई चीज़ों का, पढ़ी हुई बातों का उपयोग करते थे और सीखने में सफलता हासिल करते थे। इसी तरह से आपको याद होगा एस नील के स्कूल में एक छात्र था टॉम, जो कक्षा में आता ही नहीं था और वो पढ़ना लिखना सीख भी नहीं पाता था। कई सालों बाद एस नील ने जब उसकी तरफ देखा तो एक दिन वो किताब पढ़ता हुआ उनको मिला। एस नील को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया, ये छात्र तो कभी कक्षा में आता ही नहीं है, तो इसने पढ़ना कैसे सीख लिया। फिर जब उनसे बात की नील ने, तो टॉम ने कहा कि ये तो मैंने खुद से खुद को सिखाया है। तो जो बात हम कहते हैं कि बच्चे खुद से भी सीख सकते हैं, इसका इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि वो बच्चा जो क्लास में जाता ही नहीं था, उसने अपने मित्रों की मदद से उन किताबों को पढ़ना सीख लिया। एक और बात जिससे हमें कई बार परेशानी भी होती है शिक्षा के बारे में, विशेष तौर से स्कूली शिक्षा के बारे में कही जाती है कि बार बार परीक्षा करने से, बार बार जाँच लेने से, किसी चीज़ को बार बार करने से चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती। कि अगर कोई सिखाने का तरीका पहली बार सफल नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर क्यों सफल हो जाएगा। अगर मैं कोई बात आपको एक तरीके से अभी समझा रहा हूँ और आप नहीं समझ पा रहे हैं और मैं उसी चीज़ को बार बार दोहराता रहूँ तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, मुझे किसी और तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्होंने एक एक अपना अनुभव भी अपने बात में साझा किया है कि उनके पास जो बच्चे थे वो जब गलती करके लाते थे तो उनके लिए एक नियम बनाया गया था कि जो भी गलती करके लाएगा 3 से अधिक लिखने में, वो दोबारा लिख के ले आएगा। अब वो ये बताते हैं कि पहली बच्ची ने, जिसने 3 से अधिक गलतियां की लिखने में, उसने जब दोबारा लिखा तो वो 5 गलती करके ले आई, और फिर तीसरी बार जब लिखा तो और अधिक गलतियाँ की। इसे बहुत साफ इस प्रयोग से जाहिर होता है कि मित्रों, बार बार चीज़ों को करने से चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती। महत्वपूर्ण ये है कि हमें गलती के कारण को, उसके स्रोत को ढूंढना पड़ेगा और उसका निदान करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। साथियों, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा परीक्षा भी है। परीक्षाएँ ऐसा लगता है हमें कि बच्चों को सीखने की तरफ प्रेरित करती हैं,
कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि परीक्षाओं के भय से शायद बच्चे सीखते हैं, लेकिन ये सही नहीं होता कि परीक्षाओं से और बार बार परीक्षाएं लेने से बच्चे सीख जाते हैं, उनका सीखना सुनिश्चित हो जाता है। या जो शिक्षक आम तौर पे कहते हैं कि हमें ये पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा। देखिए, जिस तरह की परीक्षाएं पेपर पेंसिल टेस्ट हम लेते हैं उससे अक्सर ये हमें नहीं पता चलता कि बच्चों ने कितना सीखा है और क्या नहीं सीख पाए हैं, कहाँ परेशानी हो रही है। आप जॉन होल्ट के स्कूल का उदाहरण लें, जहाँ टूडी नाम का एक छात्र था जिसको उन्होंने जोड़ करने को दिया था, 10 में 3 का जोड़, 10 में 4 का जोड़, 10 में 5 का जोड़, और वो बच्चा नहीं कर पाया था, जबकि वही बच्चा उंगलियों पे ये सारे जोड़ सही सही कर रहा था। अब उनका निष्कर्ष अगर मैं परीक्षा के आधार पर कहूँ तो ये है कि इस बच्चे को जोड़ करना नहीं आता, जबकि सच ये है कि 2D को जोड़ करना आता है। तो ये जो दोनों ही मान्यताएं हैं कि परीक्षाओं से और बार बार परीक्षाएं लेने से सीखना सुनिश्चित हो जाता है और परीक्षाओं से ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है या क्या नहीं सीखा है, ये ठीक नहीं जान पड़ता है। आज हमने स्कूली शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात की, चलिए उसको एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। देखिए, हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की बात की। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमने पहली की वो ये है कि सीखना हमेशा पूर्व अनुभव से जुड़ के होता है। तो जब भी हम कुछ सिखा रहे हों तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के पास वो जरूरी पूर्व अनुभव है कि नहीं है। साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि सीखने में भय जो है वो कहीं से मदद नहीं करता, नुकसान ही करता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक और छात्र के बीच में जो संबंध है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए। अगर बच्चे कई बार कुछ चीज़ें गलत करें, ठीक से ना करें या वैसा बर्ताव ना करें जैसा हम चाहते हैं, तो उनको दंड या भय दिखाने के बजाय उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए, उनके तर्कों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए और उनकी पसंद नापसंद, उनके जो विकल्प हैं कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना अच्छा लगता है, जब तक उसमें कोई गंभीर परेशानी ना हो उसकी अनुमति, उसकी स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पहले हिस्से में जो हमने की। दूसरे हिस्से में जो हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें की वो किताबों को लेकर के थी, परीक्षा को लेकर के थी, सीखने सिखाने के तौर तरीकों को लेकर थी। देखिए, किताबें महत्वपूर्ण तो हैं सीखने सिखाने में, उससे पता चलता है कि हमें क्या सीखना है क्या सिखाना है, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है, वो एक साधन की तरह है। उसी तरह से परीक्षाएं जो हैं वो कई बार हमारी मदद करती हैं, लेकिन परीक्षाएं सिखाने का कोई तरीका नहीं हो सकती कि हर तीसरे दिन हम परीक्षा लेंगे, हर सप्ताह परीक्षा लेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे। यहाँ भय वाली मानसिकता ही दरअसल हमें दिखाई देती है। परीक्षाओं से हमें ठीक ठीक ये भी नहीं पता चलता कि बच्चों ने कितना सीखा है या क्या नहीं सीख पाए हैं। तो साथियों, इन सिद्धांतों को अगर हम ध्यान में रखें और एक शिक्षक के तौर पर इनका पालन करें तो हम बच्चों को सीखने सिखाने में, प्रेरित करने में सफल होंगे और एक शिक्षक के रूप में सफलता प्राप्त करेंगे। आज हमने इन मुद्दों पर बात की, आगे हम कुछ और मुद्दे लेके आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।